हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बोर्नियो के कुछ हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि शायद ही आपने यूट्यूब पर आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे, या तो फिर किसी भी ट्रेनर ने आपको अभी तक ये नहीं बताया हिडन ट्रिक। और इसको आप देखिए, बहुत यूजफुल है और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। अगर आप एक नए टेक्नीशियन हैं, नया काम सीख रहे हैं, डायग्राम को नया फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फोनफिक्स हैदराबाद की टीम स्टूडेंट्स को और जो टेक्नीशियन भाई है उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक नया लेकर आती है, और आप सबका हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, फोनफिक्स हैदराबाद की टीम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करते रहती है, नई नई चीजों को ढूंढ कर लेकर आती है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट बैच है 27 फरवरी की बुकिंग चल रही है, अगर आप चाहे तो उसमें बुक करके आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं एक Redmi 8A का मैंने यहां पे स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन कर लिया है। जैसा देख सकते हैं, ये है इसका लेआउट। अगर आप देखेंगे, ये इसका होता है सर्किट डायग्राम, या तो फिर आप इसको बोल सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और चीज हमको यहां पे देखने मिलती है, हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो यहां पे फ्रेंड्स, आप ये ब्लू बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं पूरा बड़ा सा इसका स्क्रीन आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में यहां पे काफी बार यहां पे काफी सारे लाइनों को इन्होंने बताया, ये देख सकते हैं। तो आपको अगर इसको डायग्राम में ढूंढना है, डायग्राम में फॉलो करना है, या फिर अगर आप डायग्राम में अगर आते हैं तो इन लाइनों को देखना होता है, तो आपको इस तरह से बार बार चेंज करना पड़ता है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका जो हमारा इसका कनेक्टर है डिस्प्ले का, वो यहाँ पे कनेक्टर है, जैसा आप देख सकते हैं इसको। ये हमको जूम करने का ऑप्शन है, ये इसका जूम आउट का ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कनेक्टर, जो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम वही कनेक्टर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी सारी लाइनें हैं यहाँ पे, तो ये सारी लाइनें जो है ये कनेक्टर पे कहाँ पे आ रही है, क्या है, वो तो आप यहाँ से पता कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है डायग्राम में ढूंढने की तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है, ये देख सकते हैं कॉम्बाइन एक्टिव का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको कॉम्बाइन करना है, उसके बाद हार्डवेयर सॉल्यूशन में आना है, यहाँ पे भी आपको कॉम्बाइन एक्टिव करना है। उसके बाद नीचे से जैसे आप ये कॉम्बाइन एक्टिव पे यहाँ पे जो बटन था उसको क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया हमको डायग्राम ओपन हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं सेंटर में ऐसे पकड़ के इसको हटा लूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस साइड मेरे पास थोड़ा सा इमेज बड़ा हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको देखना है जैसे कि यहाँ पे कनेक्टर भी कहाँ है नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप जूम करेंगे और यहाँ पे जैसे पहली लाइन में मैं क्लिक करा, देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहली लाइन में जैसे क्लिक करा हूं, यहाँ पे आईडी लाइन आपकी कहाँ जा रही है यहाँ पे आपको बता देगा, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये ID 1 की जो लाइन है आपकी सीधा ये कनेक्टर में कनेक्ट होती है। और इसका अगर नंबर देखना चाहते हैं आप तो 13 नंबर में कनेक्ट हो रही है, वो चीज आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 13 नंबर में कनेक्ट है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें 10 नंबर की, जो कि ग्रीन सप्लाई हमारी जो देख सकते हैं ये होती है टीयरिंग इफेक्ट वाली लाइन। जैसे मैं यहाँ पे TE पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पे भी ये सिलेक्ट हो चुका है। और अगर इसकी लाइन की बात करें, हम बीच में एक रजिस्टर लग के है 1K का, जो कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको वही 1K का रजिस्टर यहाँ पे मिल जाएगा देखने में, ये देख सकते हैं ग्रीन लाइन। इसका नंबर भी अगर आप देखोगे तो 18-26 यहां से इन्होंने सेम डाला है 1K का। उसके बाद ये लाइन जो है आपकी 10 नंबर पिन तक कनेक्ट होती है इस साइड में। तो ये दूसरा साइड जो है यहाँ पे ये वाली का CPU के साथ कनेक्ट होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और एक साइड इसका 10 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के साथ साथ आप डायग्राम रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी काफी सारी लाइनें हैं, ये देख सकते हैं 1.8 VIO की लाइन, या फिर ये VPH की लाइन सप्लाई आपको देखना है तो ये देख सकते हैं VPH सप्लाई। अगर आपको रीसेट की सप्लाई देखना है ये देख सकते हैं रीसेट सप्लाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसपे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ID 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं ID 2 की जो है बीच में एक 1K का रजिस्टर होते हुए 14 नंबर तक कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 14 नंबर जो है हमारा ID 2 की लाइन है, यहाँ पे भी ID 2। तो ये एक हार्डवेयर सोल्यूशन है, छोटा सा आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया था मैं। ऐसे ही अगर आप कोई और मॉडल का करना चाहते हैं, कोई लाइट सेक्शन का देखना चाहते हैं, तो यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ पे आ जाते हैं हम वापस से, इसमें लाइट सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लाइट सेक्शन का अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जैसे ही लाइट सेक्शन का खोल लिए हैं डायग्राम, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन जैसे ही आपने उसको एक्टिव कर लिया, तो यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, आपको फिर से कॉम्बाइन इनेबल करना है। तो पहले आपको ये वाला जो फाइल थी इसको कट करना पड़ेगा, और ये हो तो हो गया डायग्राम में कॉम्बाइन एक्टिव ही है, अभी लेआउट में नहीं चाहिए हमको, यहाँ पे एक्टिव कर दीजिए, उसके बाद नीचे से इनेबल कर दीजिए।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना क्या होता है, डायग्राम जो है इसका लेआउट और ये हमको एक बार बंद करके खोलना पड़ेगा। ये देख सकते हैं अब हमको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम चाहिए और क्या चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ ये वाला चाहिए। तो इन दोनों को कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लाइट का सप्लाई किधर है नहीं मालूम, लाइट आईसी किधर है नहीं मालूम, तो सिंपली आना है आपको यहाँ पे कनेक्टर पे। देख सकते हैं डिस्प्ले का जो कनेक्टर एनोड कैथोड सीएबीसी लाइन होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे एनोड एलसीडी। तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक कर लिया और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे सीएबीसी सेलेक्ट करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सीएबीसी बता रहा है। यहाँ पे अगर आप एनोड की लाइन सेलेक्ट करेंगे या कैथोड सेलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं कैथोड बता रहा है। आई टू सी सप्लाई कहाँ पे आ रही है देख सकते हैं डाटा, ये देख सकते हैं क्लॉक, ये देख सकते हैं कैथोड वन कैथोड टू, तो बहुत इजीली आपको बता रहा है। ये कनेक्टर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 13 21, और अभी जो हमने सेलेक्ट किया कैथोड वन, कैथोड वन की लाइन जो है फ्रेंड्स पिंक कलर की जो कि 18 नंबर पिन, तो अब ये लाइन देखेंगे हम 18 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। एक साइड तो ये आईसी के साथ कनेक्ट है, अगर इसको आप नेक्स्ट कर देंगे तो ये आकर के एक एक रजिस्टर है 0 ओम्स का और 18 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। ये 17 नंबर कैथोड टू है, यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड टू, और एनोड जो लाइन है इसकी 20 नंबर पिन है। ये देख सकते हैं एनोड को अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एलसीडी बीएल एनोड, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा एलसीडी एलईडी थोड़ा सा नाम बढ़ा दिया, इसके लिए सर्च नहीं करेगा। अगर सेम लिखते हैं यहाँ पे तो जरूर सेलेक्ट करेगा। जैसा कि ये सीएबीसी की लाइन अगर हम सर्च करें तो बीच में एक 0 ओम्स के रजिस्टर के साथ या आईसी के अंदर A1 पिन के साथ कनेक्ट है, और अगर इसको आप डिस्प्ले पे देखना चाहते हैं कहाँ पे आ रही है तो ये आ रही है 11 नंबर, तो ब्लू कलर की पिन अगर हम देखेंगे तो ये 11 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मैं हार्डवेयर सोल्यूशन के साथ आपको अभी डायग्राम ओपन करके बताया हूँ। ऐसा बहुत कुछ है, जैसा अगर मैं ये डायग्राम बंद कर देता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे एलसीडी का खुल के है और अगर मैं यहाँ पे ग्राफिक का भी ओपन करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे ट्रेसिंग करनी है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉम्बाइन कर देंगे, उसके बाद लाइट सेक्शन में भी कॉम्बाइन करके नीचे से इसको इनेबल कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे दो दो हार्डवेयर सोल्यूशन एक साथ आप देख सकते हैं, दो दो डायग्राम आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन ओपन कर लिया है इसका डिस्प्ले का, देख सकते हैं। अगर आपको समझाना है या पढ़ाना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले अभी इसको कॉपी भी करेंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ इस तरह के वीडियो काफी सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे आज के बाद, क्योंकि जब मैं डाल देता हूँ तो सभी लोग कॉपी कर देते हैं, इसलिए काफी बार मैं वीडियो रोक रोक के डालता हूँ ताकि स्टूडेंट जब यहाँ पे मेहनत करके आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, पैसा लगा के आते हैं, तो उनको यहाँ पे सीखना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन के लिए मैंने दोनों कनेक्टर्स आपस में ओपन कर लिए, दो डायग्राम बिल्कुल नहीं खोला हूं फ्रेंड्स में, एक ही वाला डायग्राम है। ये देख सकते हैं एक साथ ये बंद हो गया है, अगर वापस से मैं इसको खोल दूं तो ये देख सकते हैं एक साथ ये आ गया है, तो एक ही है। हालांकि दो दो यहाँ पे आप इसके डायग्राम दो दो ऐसे सेटअप चला सकते हैं, बॉर्नियो में ऑप्शन है, बट आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसे हिडन ट्रिक्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हो गया हार्डवेयर सोल्यूशन। दोस्तों मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ आपको सर्किट पढ़ाता हूँ, सर्किट में कौन सा आईसी कैसे काम करता है, कहाँ पे कितना वोल्टेज कब आना चाहिए, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, डेड मोबाइल कैसे बनाना है, हैंड स्किल का काम, ये सब कुछ हम फोनफिक्स हैदराबाद में सिखाते हैं आपको। अगर एक आपको अच्छा मास्टर लेवल का टेक्नीशियन बनना है तो जुड़िए फोनफिक्स हैदराबाद के साथ। दोस्तों फाइल्स लेने के लिए या कोई टूल लेने के लिए या कोई सोल्यूशन लेने के लिए या फिर कोई आईसीयू का डाटा शीट लेने के लिए या हार्डवेयर सोल्यूशन लेने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बॉर्नियो है, प्रग्मा फिक्स है या फिर डीजेड केजे है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, 1000-2000 रुपए देंगे आप तो ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। दोस्तों काम सीखने जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं तो इसको कैसे चलाना है ये तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हैं आपको, लेकिन क्यों ये सप्लाई यहाँ पे आ रही है, कब आएगी, कितना वोल्टेज आएगा, ये सीखने जाइए। पावर एसी तो चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज करना है, उसका डाटा शीट बहुत सारा मिल जाता है, हम काफी सारे डाटा शीट फ्री फेसबुक पे डालते हैं डेली, जाकर देखिए आप, हमारा खुद का बनाया हुआ है फोनफिक्स का, खुद की मेहनत की हुई, पूरा क्रेडिट मैं फोनफिक्स हैदराबाद की टीम को देता हूं जो मेहनत कर रहे हैं डाटा शीट बनाने में, सॉल्यूशंस देने में। तो उन सबको आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक अच्छे से प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है आज ही फोनफिक्स हैदराबाद के साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल करिए, आप हमसे जुड़िए, हमारे डिटेल्स ले लीजिए कोर्स का। आपको हैदराबाद तेलंगाना में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, 20 दिन की ट्रेनिंग, रहना फ्री, मदरबोर्ड फ्री, टेस्टेड 2 TB फाइल्स फ्री, फ्लैश फाइल फ्री, आ जाइए जुड़ जाइए हमारे साथ एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए। 10 घंटा क्लास होता है जिसमें हैंड स्किल के साथ साथ सर्किट की डीपली नॉलेज देते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।